सामने बाजार से गुजरते हो तो उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते सुना जा सकता है उन्हीं उनके लोगों के बीच में जो लोगों ने कभी उनके ऊपर विश्वास किया। महिलाएं हैं इसमें जो काम करती थी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य और राज्यों में कई जगहों पे हम लोगों ने सीधे रास्ता रखा है। उनके रोते हुए बिलखते हुए परिवार और आंसुओं को देखेंगे तो आपका हृदय उसी समय पसीजेगा और इन कीड़े मकोड़ों को गालियां देते आप नजर आएंगे। ये कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कुछ कर ही सकते तो 12 लाख कहते हैं हम कार्यकर्ता हैं और जिनका भुगतान इनके हाथों में रुका है, ये उन लोगों की तरफदारी करते हुए कुछ लोगों की संख्या बल को देखने की जरूरत पड़ती। अरे लाखों लोग एक जगह खड़े होते और सरकार की नाकों में दम कर देते। जिस जमीन के बारे में हम आपको बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, गंभीरता से आपका जो भी उन लोगों के बीच की वार्ता हुई, बरसोवा की जमीन चाहे अंबी वैली की जमीन चाहे 550 करोड़ की उत्तराखंड की जमीन चाहे बिहार की जमीन चाहे अन्य और किसी राज्य की जमीन, ये लोगों की वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बहुत सारी जमीनों पे उनका सौदा तो इंटरनल हो गया है लेकिन वो ये बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं। और किस जमीन की बात कर रहे हैं आशुतोष जी? कोई उस कंपनी का साधारण सा वर्कर होगा, उसको पता नहीं है कि उसी की खतौनी उनके नाम है, उसको अचानक जोनल चीफ और रीजनल मैनेजर बना के रख के 200 दस्तखत करा लिए जाते होंगे और वो जमीनें कब बिक जाती हैं कुछ पता नहीं लगता है। ये वीडियो मैंने महामहिम सहारा श्री का देखा था जो वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम व्यवसायी हैं, हम जमीनें बेचना चाहते हैं, हम जमीनों को बेच के आपका भुगतान देना चाहते हैं लेकिन हमारी जमीनें कम रेट पे बिक रही हैं, ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। सोचिए ना आशुतोष सर कि एक लड़के की जान जाती हो और पिता और उसकी मां अपने गहने और जमीन और जायदाद को देखेगा कि औने पौने दाम में बेच करके अपने बच्चे की जान बचाएगा, ये व्यापार देखेगा कि जिन 12 लाख कार्यकर्ताओं ने सहारा श्री और सहारा समूह बना के खड़ा किया उन सभी की 3000 से आज और आने वाले दिन में 30,000 1 लाख लोगों की जान ले लेगा। अरे ये लोग रहते तो आज अभय देव जैसे लोगों को खड़ा होकर उनके विरोध में बोलने का साहस नहीं करना पड़ता। आज सुब्रत राय पहले जैसे आंखें ततेरते थे, मुझे याद है कि यह चर्चा और घटनाक्रम में देश की वो सरकार जिसको कांग्रेस की सरकार कहती थी, मुनिया सोनिया के इशारों पे चलती थी, उनको भी केमर में घुसने नहीं दिया था सहारा सुब्रत राय ने, वो अहंकार था। ऐसे अंगुली दिखाते हुए कहते थे ये मधुमक्खी के 12 लाख छत्ते हैं, जिधर खोद दिया उधर सरकार उखड़ जाएगी, ये ताकत थी सुब्रत राय की। आज वही लोग 12 लाख कार्यकर्ता के 3000 से ज्यादा लोगों की संख्या आज आत्महत्या कर ली और सुब्रत राय के को कौन कहे, इनके कीड़े मकोड़े भी उनके दरवाजे पे जाना मुनासिब नहीं समझे, उनका पैसा तो देने की कौन बात करे। क्या उन्होंने जो 3000 से ज्यादा लोग थे क्या 10,000 करोड़ भी आपके खाते में नहीं डलवाया था? डलवाया था और कड़ी मेहनत कर करके रात दिन जाग जाग करके रातों को सो सो करके आपके एक इशारे पे कन्वर्जन कराया था और अपने ही निवेशकों के साथ गद्दारी करी थी, उनके फर्जी दस्तखत करे थे कि आपकी कंपनी आपके कहने के नाते बचे, आप पे विश्वास किया था। आपने कार्यकर्ता जमाकर्ताओं के साथ कोई गद्दारी नहीं करी, आपने करी तो सबसे पहले अगर किसी के साथ गद्दारी करी तो आपने अपने पुत्र समान उन कार्यकर्ताओं के साथ ही गद्दारी करी, करी अपनी गद्दारी। और यहां तक कि उन्होंने जब आंख बंद करके अपने पिता की भी बात मानने से इनकार कर दिया होगा, अपनी मां की बात मानने से इनकार कर दिया, रात रिश्तेदार की बात मानने के इनकार कर दिया, भगवान मान के आपकी बात को माना और आपने सरेआम उनको सड़कों पे लाके बेइज्जत भी किया और आत्महत्या करने पे विवश भी कर दिया। और इनके कीड़े मकोड़े जैसे लोग अधिकारी ये कहते हैं जिनका साहस ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है कुछ कह पाने पे, और वो ये कह रहे हैं कि तैयारी हो रही है, जमीनें बिक रही है। अरे उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। इस देश की सरकारों ने
ये जो पोर्टल की लॉन्चिंग कराई है ना, इस पोर्टल की लॉन्चिंग के पीछे उनका बड़ा लंबा गेम था। उस गेम के आधार पे देश में 3000 से 4000 से ज्यादा जो FIR हो गए थे, तमाम वो व्यवस्थाएं थी जो वैधानिक रूप से उनको आड़े आती थी कि इनको क्लीन चिट दिया जाए, वो सभी को डाटा प्रस्तुत करवा करके वो तमाम सुप्रीम कोर्टों और हाई कोर्टों और तमाम संबंधित थानों की तरफ भेज दिया। मध्य प्रदेश के DGP का पत्र यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि DGP ने तमाम वैसे FIRों को पत्र निर्देशित करके ये कहा था कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन पे पैसे बटने लगे हैं, और थानेदार को स्पष्ट आदेश था कोतवाल को LSP को कि इन सभी मुकदमों पे विड्रा कराया जाए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सभी मुकदमे सरकार इनकी मिलीभगत से खत्म करा दे और इनके ऊपर लगे जो प्रतिबंध है आने जाने के, उन प्रतिबंधों को हटाए और सुब्रत राय देश छोड़ के इस जगह से इन लोगों को टाटा बाय बाय कहते हुए विदेश चले जाए। अरे वो तो भला मानिए, मैं तो मानता हूं कि आज हम लोग बोल रहे हैं, गलतियां लाख होंगी बहुत सारे लोगों में, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं तो उस जमाने में सेबी ने ही इनके ऊपर एक्शन लिया। कांग्रेस के जमाने में एक्शन का पासपोर्ट ना जमा होता तो ये नीरव मोदी की तरह, ललित मोदी की तरह भाग गए होते, पता नहीं लगता। और आज सहारा एक ऐसी संस्था है कि देश में तमाम संस्थाएं हैं, किसी की हिम्मत नहीं कर रही थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, सब टाटा फिस हो गए थे। आज सहारा ही है जो देश के समस्त चिटफंडों के लिए भी एक उम्मीद बन गई है यह आंदोलन, कि ये लड़ेगी तो पैसा भी मिल जाएगा, नहीं तो कोई लड़ने वाला नहीं था। जरा पूछिए ना, इन्हीं चारों में से कोई निकल रहा था लड़ने के लिए, FIR करने नहीं जा रहा। आज उम्मीद बन गई है कि अगर आप बोल रहे हैं तो देश भर के तमाम निवेशकों की उम्मीद बन गए हैं। देखो सब पी गए जी।